हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल मटन करी बनाने का बहुत ही आसान और देसी तरीका, जो इतना टेस्टी बनता है ना कि अगर इसे आप एक बार बना के खा लेंगे तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो इस बार की होली में इस तरीके से एक बार मटन करी जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देसी स्टाइल मटन करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी मटन लिया है और मैंने इस तरीके से पंजरी भी बनवा के लिया है, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने मटन को अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच कच्चा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम कवर करेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम सबसे पहले इसके लिए मसाला बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा जावित्री, 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 7-8 लाल मिर्च, 2 छोटा गांठ पूरा लहसुन छील के 1.5 इंच कटा हुआ अदरक लिया है। अब हम एक मिक्सर के जार में इन सभी मसालों को ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा साबुत जीरा, 3-4 सूखी लाल मिर्च और 2 से 3 तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। देखिए हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 5 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ मटन को ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मटन को कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मटन से तेल ना अलग होने लगे। देखिए मटन से तेल अलग होने लगे है, यानी कि मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो मसाला बना के रखा है उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मीट मसाला, मीट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और ध्यान रखें कि हमने पहले भी मटन को मैरिनेट करते समय नमक ऐड किया है, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मसाला से तेल ना अलग होने लगे। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको जैसा ग्रेवी खाने का मन हो आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी डालें। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे। सीटी आप अपने मटन के हिसाब से लगाएं। देखिए कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है।
देखिए कितना बढ़िया मटन करी बन के रेडी हुआ है और इससे इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि जिसे मैं आपको बता नहीं सकती। और इसे देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल देसी स्टाइल मटन करी बन के रेडी हो चुका है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको पंजरी को भी सामने से दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया पंजरी लग रहा है देखने में। अब मैं आपको गर्मा गर्म देसी स्टाइल मटन करी को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया देसी स्टाइल मटन करी बन के रेडी हुआ है और आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी बना है। और ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है उससे ज्यादा खाने में भी टेस्टी है। अब इसे आप गर्मा गर्म पुलाव पूड़ी पुआ किसी साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस बार की होली में इस तरीके से एक बार मटन करी घर पे जरूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इस तरीके से एक बार मटन करी बना लेंगे तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।